वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स और कार्बन फैमिली। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। इसी का दूसरा नाम है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। और आजकल तो वैलेंसी भी लिखने लग गए हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा दोनों में उनमें डिफरेंस होता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में बेटा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है बेटा, हमने 8th यूनिट में पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन में इट इज द चार्ज प्रोड्यूस ऑन ए स्पीसीज आइदर बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस चार्ज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। और इट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए स्पीसीज आइदर बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। तो यहाँ हम बात करें ग्रुप 14 एलिमेंट की बेटा, तो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2 NP2 होता है बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए चार बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं बेटा, वैलेंसी भी 4 होगी, वैलेंस भी 4, वैलेंस वैलेंसी एक ही बात है, लेकिन जब वैलेंस के साथ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं तो वैलेंस का मीनिंग आउटर मोस्ट हो जाता है बेटा, वैसे वैलेंस वैलेंसी है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें बेटा, तो +2 भी होती है, +4 भी होती है, -2 भी होती है बेटा, -4 भी होती है बेटा। तो दीज आर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। वही बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे अपना कार्बन से बेटा और लेड आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज वाइल दैट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज मोर स्टेबल देन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज अगेन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और वी कैन से PB4 कंपाउंड्स आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SN4 कंपाउंड्स, दिस इज अगेन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड तो +2 में आना चाहेगा बेटे +4 से, तो +4 से +2 में कैसे आएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज होते हैं बेटा। ओके बेटा, सेकंड है बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एयर भी बोल देते हैं बेटा, क्योंकि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है जो इनर्ट होती है बेटा, कुछ एलिमेंट रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन से, जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है बेटा, कैल्शियम है, बेरियम है, बाकी सोडियम है, पोटेशियम है, ये रिएक्शन नहीं करते बेटा। और ऑक्सीजन 21% होती है, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर कोई खास डिफरेंस नहीं है बेटा। ग्रुप 14 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं बेटा। ये तो ऑक्साइड दो टाइप के होंगे बेटा, EO2 एंड EO। ओके बेटा, EO ये मोनोऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जर्मेनियम मोनोऑक्साइड नहीं बनाता, और बनाते हैं तो 2450 केल्विन पे बनाता है बेटा। तो हम ये कहेंगे सिलिकन है वो मोनोऑक्साइड नहीं बनाता, सिलिकन बेटा, बाकी बनाते हैं जर्मेनियम ऑक्साइड है, SNO है बेटा, PbO है बेटा। CO तो न्यूट्रल होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल भी बोलते हैं, ये डिस्टिंक्टली एसिडिक, डिस्टिंक्टली एसिडिक बेटा। और बेटा ये होते हैं एम्फोटेरिक बेटा, याद रखना बेटा, आपको बार बार बताते हैं, चार मेटल एम्फोटेरिक मेटल हैं बेटा, एक जिंक है, एक एल्युमिनियम है, एक टीन है और एक लेड है, ये बेटा एम्फोटेरिक मेटल हैं, ये एम्फोटेरिक मेटल हैं बेटा। तो इनके सारे ऑक्साइड बेटे एम्फोटेरिक होते हैं। EO2 में बात करें बेटा, तो CO2 सिलिकन डाइऑक्साइड होता है बिल्कुल, जर्मेनियम डाइऑक्साइड होता है,
स्टेनिक ऑक्साइड होता है, 3-4 ऑक्साइड, लंबिक ऑक्साइड होता है बेटा। तो ये तो है बेटा एसिडिक तीनों तो बेटा, और ये बेटे वही एम्फोटेरिक बेटा, ये एम्फोटेरिक है बेटा। CO2 गैस है बेटे, बाकी सभी क्या है बेटा सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। CO2 गैस है क्योंकि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, सेपरेट मॉलिक्यूल के रूप में। तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद वाटर बेटा। अब कार्बन तो वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं है बेटा, बाकी ये बनाएंगे बेटा जैसे सिलिकन है बेटा, उसको वाटर से रिएक्शन करेंगे, वो भी गैस बेटा। तो SNO2 बनेगा बेटा प्लस बेटा हाइड्रोजन। और कार्बन को आप स्टीम से करेंगे, मतलब कि स्टीम से तो रिएक्शन हो जाएगी बेटा, लेकिन कोल्ड हॉट वाटर से नहीं होगी। तो ये वाटर गैस बनेगी बेटा, इसको वाटर गैस बोलते हैं, वाटर गैस बेटा। लेड वाटर से रिएक्शन नहीं करता बेटा, दिस इज प्रोबली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। ये समझ लो बेटा कि इसको तो आप लेड समझ लो, और ये इसके ऊपर जो है ये ऑक्साइड की लेयर है एक प्रकार से। तो वो जो एल्युमिनियम तो नहीं कहना मैं बेटा, लेड तो नीचे रह गया बेटा, इसके ऊपर लेयर बन गई बेटा, लेयर रिएक्शन नहीं करने देती बेटा प्रोटेक्टिव। दिस इज प्रोबली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। लेड इज इनर्ट टुवर्ड्स वाटर बेटा। तो ये इस रिएक्शन का नाम कोल गैसिफिकेशन, कोल है बेटा, इसको कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं बेटा। ये वाटर गैस है, सिंथेसिस गैस है, सिन गैस है, और CO+2H2 होता तो सेमी वाटर गैस, और CO+N2 होता तो प्रोड्यूसर गैस, और CO2+ oxygen होता तो कार्बोजन, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। फोर्थ है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन बेटा। तो ये आयोडाइड बनाएंगे बेटे EH4 टाइप बेटा, जैसे CH4 सिलिकन टेट्रा, टेट्राहेड्रल शेप है बेटे इनके, जर्मेनियम हाइड्राइड, SNH4, PbH4, सारे कोवलेंट हैं बेटा। कार्बन की जहाँ तक बात है, स्पेशल आयोडाइड बनाते हैं बेटा CnH2 N+2 बेटे एल्केन, CnH2N अल्किन बेटा, CnH2N-2 अल्काइन बेटा, CnH2N-6 बेंजीन और अल्काइल बेंजीन, वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा। 100,000 के करीब हाइड्रोकार्बन है बेटा, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो बेटा। तो कार्बन स्पेशल हाइड्राइड बनाता है, और नहीं बनाते जैसे वहाँ बोरोन बनाता था बेटा, कोवलेंट है सारे बेटा। ऑल हाइड्राइड ऑफ ए ग्रुप 14 आर कोवलेंट, इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट बेटा। फिफ्थ है बेटा रिएक्शन विद हैलोजन बेटा। तो कार्बन डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्शन नहीं करता, और एलिमेंट करते हैं बेटा। CCl4 बनता है डायरेक्ट, नहीं बनता, CF4 भी बनता है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन बोलते हैं जिसे, पायरीन फायर एक्सटिंक्शर का काम करता है ये, टेट्राक्लोरोमीथेन, सिलिकन टेट्राक्लोराइड, सिलिकन टेट्राफ्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड बेटा, SN बेटा, SNF4 बेटा, SNCl4, PbF4, PbCl4, जो फ्लोराइड है बेटा किसका, लेड और एसन का, वो तो आयनिक है, बाकी कोवलेंट होते हैं बेटा। और लेड है बेटे वो PbCl2 भी बनाता है, इनेट परिफेक्ट के कारण स्टेबल भी ज़्यादा है, PF2 भी बनाता है, इनेट परिफेक्ट के कारण स्टेबल भी ज़्यादा है, आयनिक भी ज़्यादा है बेटा। दिस इज अगेन ड्यू टू इनेट फेयर इफेक्ट बेटे। CCl4 वाटर से रिएक्शन नहीं करता, और वाटर से रिएक्शन करते हैं बेटा, बिकॉज कार्बन हैज नो वेकेन डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट डज नॉट आइडोलाइज और डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, और अनरिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, इनर टुवर्ड्स वाटर। सो नेक्स्ट है बेटा
एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, फिर हम बात करेंगे बेटे कार्बन का एनोमलस बिहेवियर। एक ग्रुप के पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं बेटा, इसको एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। थर्ड यूनिट में पढ़ा था हमने, टेंथ में बेटा और इलेवंथ में भी, और आगे ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे बेटा बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है, गिव सम एग्जांपल और करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स टू शो द एनोमलस बिहेवियर या अबनॉर्मल बिहेवियर या एक्सेप्शनल बिहेवियर या अनकॉमन अनयूजल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एटिपिकल रेयर डिस्टिंक्ट डिस्क्रिमिनेट बिहेवियर ऑफ ए कार्बन। पहला बेटे कार्बन इज हार्डर देन अदर एलिमेंट्स, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर एलिमेंट, इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर एलिमेंट। कार्बन डज नॉट रिएक्ट विद हैलोजन डायरेक्टली वाइल अदर्स डू सो, CCl4 डज नॉट आइडोलाइज वाइल अदर्स टेट्राहेलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्ट विद वाटर। मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन इज न्यूट्रल वाइल अदर्स फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन दैट इज CO2 इज गैस वाइल अदर डाइऑक्साइड ऑफ इट्स ग्रुप आर सोलिड एट रूम टेम्परेचर। कार्बन फॉर्म स्पेशल हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप ऑफ CnH2n+2, CnH2n, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-6 while others do not form special hydrides. So these are some properties or characteristics which are responsible for anomalous behavior of carbon. थोड़ा सा हम जिक्र करें बेटा compounds of carbon का, okay बेटा ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ है, और इसके अलावा एक पॉइंट और भी है बेटे, कार्बन की कोवेलेंस चार से ज़्यादा नहीं होती, बाकी की होती है क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कहने का मतलब ये है CF6 डाई नेगेटिव नहीं बनता, SiF6 डाई नेगेटिव बनता है, क्योंकि ये इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बेटे। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स और कार्बन फैमिली कार्बन ग्रुप कार्बन सेट एसिटी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।